बचे सुबह के 5 और मैं अभी अभी उठाऊँ, सुबह के 5 और अभी अभी उठाऊँ मैं अभी। सुबह 6:30 बजे जाना है प्रैक्टिस, और इतने सारे दोस्तों से संडे को हम लोग थोड़ा वैसे ही मिलते हैं, थोड़ा मतलब ना सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा बाहर वाहर घूम के आते हैं, तो वो प्लान था और था 4 बजे का, बट उठने में हो गया तो ये फ़ोन आ भी निकल रहे हैं आके लिए, तो वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद घर, फिर शाम में वापस प्रैक्टिस है, और आज जिम का कुछ वो नहीं है तो अभी निकलते हैं फिर। ये देखो मैं तो उठ गया, मेरे को मम्मी कह रही थी 4 बजे उठा देगी, और 5 बज लिए, पर मम्मी रूम से बाहर नहीं आई, और ये मेरा बैग वैग तो पैक हो गया, तो मम्मी को उठाते हैं जाके देखते हैं अभी अभी देखना। आप तो मुझे कह रहे थे आप उठा दोगे 4 बजे, और 5 बज लिए, उठाया नहीं आपने। मम्मी कितने बजे उठाना था आपको मुझे? 4 बजे। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे नहीं, 5 बज रहे। भाई कदम से इतनी बार वो कर चुकी मेरी मम्मी, अब आज उठा दूंगी, आज उठा दूंगी, एक हफ्ते में ऐसे निकाल दिया। अब थोड़ा उठाने लगी तो खुद नहीं उठती जब मैं उठने लग गया। गर्म हो रही है, देख रहे सकल सोते से उठते ही। ये देखो कर दो ना दूध गरम। क्या दूध गरम कर रहे हो यार? 2 मिनट रुक जा, इसके दिखा दे बड़े, इधर देख लो। हाँ ऐसी सूख ली वीडियो बनाई है मेरी, कितनी भोली सी लग रही, टी शर्ट मेरी, पजामा मेरा, कुछ 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 तो अपना पहन लिया करो। आंखों में से आंसू कैसे आ रहे हैं? फिर वो मत, मम्मी कोई बात नहीं, आपके कपड़े आ जाएंगे। पागल है, चुप रहे भाई। अभी मेरे साथ बीती हो गई है, अभी मैं अपने घर से निकला ही था, और इतने में 2-3 दोस्त का फ़ोन आया कि एक लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा था, तू भी ट्राई कर, तो मैंने फ़ोन किया, भाई बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, भाई बंदा मैंने कैसे हैं यार, भाई बोल रहे हैं और फ़ोन ही नहीं उठा रहे यार। मैंने सुबह फ़ोन करने को बोला था कि फ़ोन करूँगा मैं, उठ जाइए उठ जाइए, अगर हाँ भाई उठ जाएंगे उठ जाएंगे, फ़ोन कर रहा हूँ तब से फ़ोन पे फ़ोन ना उठा रहा ना कुछ पता नहीं भाई। प्रैक्टिस हो गया ख़त्म, और ये रहा कॉम्प्लेक्स, और अभी निकल रहा हूँ घर के लिए। एक अभी दोस्त आ रहा है, मेरे स्कूटी से मैं दोबारा कर गया, पहले तो जब मैंने वो बनाई थी क्लिप वो दोस्त तो आया नहीं, इसका मैंने बताया था, और उसके बाद अब प्रैक्टिस वैक्टिस, उसके बाद थोड़ा द्वारका और में घूमे, क्लिप वगैरह बनाई नहीं, सिर्फ स्कूटी वूटी पे थे बस, और फिर वही कुछ खाया द्वारका में, फिर हम चले गए थे प्रैक्टिस 6:30-7 बजे से, 6:30-7 बज रहे थे तभी यहाँ आ गए थे, फिर वही थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिस की, उसके बाद जा रहे हैं घर। हेलो गाइस, और अभी सोना घर आ चुका है, तो मेरा फ़ोन ये लेके गया था, और अभी ना हमारे घर आई है बुआजी, बड़ी बुआजी सबसे, तो देखो राखी बांधने आई है बुआजी। पहली बार किसी से टीका नहीं निकाला मेरे, सब टेढ़ा निकालते हैं। बुआजी इधर देखना एक बार, अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट राखी बांधने पे है। अरे बुआ जी देख रही है तो आप नहीं देख रहे, इधर तो देखो एक बार, फोटो तो खिंचवा लो। रुक जा, वो बुआ जी अपने आप मिला लेंगी, खिंच गई खिंच गई। सोना आ जा, गिल्ली होके और सूख सी जाए तो सही तो है। अब पता, अब सबको पता चलेगा बुआ जी आई है हमारे घर। आ जा सोना, बुआ जी वेट कर रही है। सोना जा बेटे, बड़े नखरों से आया सोना, मीठा तो दे दे। अरे मैं डब्बा ही रखी है, पकड़ना। वाह भाई वाह, देखा
ये मेरी बुआ जी हैं और हमारे कुनबे की सबसे बड़ी बहन, हमारी सोना की सबसे बड़ी बहन, दादी, अम्मा। आपकी आपकी तो बुआ है। हाँ हाँ, मतलब कि हमारे कुनबे की सबसे बड़ी बुआ जी है ना हमारी। सोना जो वीडियो बन रही है उनसे आजकल सब भाई बना रही है वीडियो, पता ना क्या चक्कर है। पूरा घटक गया उसमें से ले लो बुआ जी थोड़ी सी। किसको ही बंदेगी ना सीधा, कौन सा है सीधा तो ये। जा रही है बुआ जी अपने घर, यहीं रहती है बुआ जी पार्लर में ही। चलो बैठने तो दो अच्छे से। चलो ठीक है बुआ जी, बाय। गाइज मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है सुबह से। अब सुबह आ गई थी हमारे बुआ जी, बड़ी वाली बुआ जी, मैंने बताया था जैसे आप लोगों को। तो उसके बाद मशीन आ गई थी मेरी ठीक हो गई, तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हो गई थी मशीन में कपड़े वपड़े धोने में। और वो जो मशीन वाले भैया हैं वो लेके आए थे, तो उसका थोड़ा सिस्टम वगैरह सब कुछ समझाने लग रहे थे, थोड़ा काम यहाँ पे भी हुआ मशीन में, तो उसी सब में बिजी हो गई। फिर सोना अकेडमी चला गया और उसके बाद मैं भी थोड़ा निंद्रा में चली गई थी। और अभी यहाँ पे चाय बन रही है और ये चाय लेके जा रही हूँ मैं पीने इसको। गाइस ये हो गई है मेरी चाय रेडी, ये देखो लोटा भर के चाय है, साथ में ये मेरा गिलास है और दो कप किसके हैं वो अभी आप लोगों को बताती हूँ। जहाँ मैं चाय लेके जा रही हूँ वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। अभी अंधेरा हो रहा है गाइस, अंधेरा। और बहुत दूर चल के मैं पहुँच गई हूँ चाय लेके, और चाय लेके आई हूँ मैं, अभी देती हूँ सरप्राइज आप लोगों को। हाथ दुख गया यार, कोई तो आ जाओ, बेल बजाओ ना बेल। वेलकम बोलो। ये देखिए हम आए ज्योति दीदी के नए घर में। डॉलर वेलकम माय होम। भैया नमस्ते। भैया 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 डरती नहीं हूँ गाइस मैं इससे। आपने बुलाया क्यों नहीं हमें, फिर दोस्त किस काम के जब आप अलग अकेले लगे हुए हो। हाँ बैठ जा भी, बैठ जा बैठ जा। नहीं कंडीशन है, मारूंगी जैसे गंदा कर दिया था ना वैसे गंदा कर दिया। आप लीजिए अभी, पता किसी थकान लग रही आज के, देखो कहाँ चढ़ी हुई है। निकाल दिया इससे नहीं आगे, नए नए घर में शिफ्ट हो गई है दीदी। कुछ नहीं, वो हाथ पे टूटेगी। अभी दीदी का सामान पूरा फैला हुआ है। काम कौन करेगा, और इन्होंने हमें बताया नहीं तो हम शिफ्ट कराने आ जाते। चाय बना के लाओ। चाय तो मैं पीने आई हूँ आपके साथ, आपका काम रुक जाए ताकि थोड़ी देर। और यहीं से बात कर लिया बस, ये तो अब पसर जाएगा, ये खुजली करो बस मेरे। अब आपका हाथ हाथ कटवा उससे। ले लेना तू खले हो। डॉलर दे दे। ओए डर गए, डर गए। इस बार में बिल्कुल मजा करनी। डॉलर सारी क्लैरिटी क्लैरिटी। चाय नहीं पिएगा डॉलर, चाय नहीं पिएगा हैं। ओए खुद ही नहीं करता मैं तेरी। ये तो जिंदगी काली पैंट पहनता हूं ना, चीज आके चिपकता है मेरी। सुबह 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 आया था ना तू, चल ऊपर चल। और अब आ गया। अरे हम तो बाहर थे, हमारा गेट किसने खोला, कौन आया हमारे घर में? हाँ कोई नहीं दिख रहा। कौन? अभिषेक आया। अभिषेक मैं जाऊँ सोना को लेने। अच्छा राम सुचित्रा है।
वो राम को सूचित करके गया होगा ना चाचा को थोड़ी क्या हुआ अरे काम एनीथिंग सीरियस व्हाई आर यू सो सीरियस सीरियस में राम सूचित याद करूंगा एक साइड पे काम दिखाना गाइस मैं जा रही हूँ सोना को एकेडमी से लेने पैदल पैदल हेलमेट पहन के ताकि कोई पुलिस वाले चालान ना काट सके मेरा पहुंच गई हूँ मैं सोना को लेने एकेडमी के बाहर और अभी छुट्टी होने वाली है बच्चों की अभी सोना आने वाला दिखाती हूँ गाइस सोना को एकेडमी से लाने के बाद मैं कोई क्लिप मतलब समझ जाओ एकेडमी से लाई जब कोई क्लिप नहीं बना पाई तो क्योंकि घर आते ही मैं लगी थी खाने में और खाने की तैयारी मेरी हो चुकी है खाने पे मैंने अभी जब आप लोगों को दिखाया था कि ज्योति दीदी ने शिफ्ट किया है क्योंकि उनके घर का चल रहा है काम तो ज्योति दीदी आई है हमारे ऊपर जो फ्लैट है उसमें तो मैंने अभी वो शिफ्ट कर रही हैं आज तो उनका पूरा सामान वामान ऐसे ही तो खाना आज उनका मैंने बनाया तो मैंने उनको बुलाया अभी डिनर पे तो आज उसी की बस अभी बस उसी की तैयारी कर रही हूँ दिखा देती हूँ फटाफट ये बन रही है शाही पनीर ये उसके शाही ग्रेवी बन गई है ये रहा पनीर अभी काट कर डाल दूँगी इसमें बन गया आलू बीन्स और रायता मैंने बना लिया है ये रहा रायता ये कट कर ली है मैंने सलाद ठीक है और बस अभी आटा लगा के सेक लेती हूँ रोटियाँ क्योंकि टाइम हो रहे हैं 9:05 हो गए हैं मैंने 9:30 तक की बोली थी तो बस फटाफट से अभी रोटियाँ सेक लेती हूँ फिर सब जब यहाँ आ जाएंगे तब हमारा डिनर होगा और ये शुरू हो गया हमारा डिनर ये देखो भाई एक काम कर खाना अपना खाना ले जा क्यों अरे मैं दिखा रही हूँ मैंने खाना बनाया है देखो इसे कहते हैं फ्रेंडशिप पहले ही बोल दिया भैया देखो अरे भैया ये ऐसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं जब ऐसे मुंह छुपाते हैं क्यों छुपा रहे हो भैया बंद कर दिया कैमरा लो भाई मैं तो नहीं बना रही चलो गाइस इनको खाना एंजॉय करने देते हैं एप्पी ने तो कुछ बोला ही नहीं है उसे पता है कुछ फर्क नहीं पड़ना खाते रहो बस सोना का तकिया भाग लिया बोलते ही कहाँ से घुस रहा है इतना दुखी हो रहा है फिर भी और ये भाई मिल लो आयुष से ज्योति दीदी के बड़े बेटे से इसको सबने देखा है इसको किसी ने नहीं देखा अभी तक तू सोया नहीं है इतनी देर होगी पता सोया अजीब सा लग रहा है मैं सोच रही हूं कहां हां बंद बंद सा हो रहा है इसको यहां तो है लेकिन ही बताता हूं हो चुका है हमारा खाना पीना और अभी हमारी चल रही है बच्चे भी है मैं अभी मिलवाती हूँ बहुत दिनों बाद कोई हमारे घर आया है ब्लॉग में भी आया क्या हो रहा सो जाओ ना डॉलर उसको बता दिया पहले कह रहे मैंने एक डॉग ले रखा है और मुझे बहुत पसंद है तो वो कह रहा लड़का कि कह रहा कोई बात नहीं मेरे को बहुत पसंद है मेरी माँ को ठीक है तो चलो बेटी वाली का शॉर्ट्स क्या क्या करना पड़ता है आपको शॉर्ट्स के लिए तो भाई बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि सांस क्या क्या कर सकती है किस हद तक जा सकती है अब रुक जा यार बेटी तो पढ़ने दो मुझे अच्छे से ये तो रुक साइड में सांस तो मैं अच्छी घुटनी बेटी तो पढ़ने दे अभी मैंने आपसे पूछा आप ऐसी हरकत करते आप क्या कह रहे किससे सीखा आपने दिमाग लगाना पड़ता है भाई दिमाग तो नहीं बोला था आपने आपने कुछ और बोला कि मैंने इनसे सीखा है सॉरी बताओ क्यों ये मैं ब्लॉग में डालूंगी नहीं मैं ये मेरे जेनेटिक गुण है जेनेटिक
इनडायरेक्टली नानी का बोल रहे हो आप? जेनेटिक में नानी है तो सच बता दिया क्या? चुप रहे कुत्ते, मेरे और मेरी माँ के बीच में लड़ाई कराएगा? आप ही बोल रहे थे ये, मैंने कहा मम्मी आप चुन्नी उन्नी उड़ के चश्मे लगा के नानी इधर लगते कहीं। हाँ तो मैंने बोला नानी मैं। ऐसे थोड़ी बोलता मैंने, खाना मेरी कसम झूठ नहीं बोला, नानो करता बट देखो झूठ अपने घर वालों की बुराई खुद करती रहती। गाइस ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। झूठ बोल रहा तो हंसी में फंसना है मेरा, हंसने की क्या, मैं तो हंसती रहती हूं, हंसती रहती हूं, मेरी कसम खाओ अपने बुरा बोर हो चुके भाई साहब। चलो गाइस गुड नाइट, बाय बाय। गाइस हो चुका है, मतलब खाना पीना तो सबका पहले ही हो गया था, अब बैठे थे हम सारे बात कर रहे थे, अब जा चुके हैं सब और बस। और ये देखिए दिख रहे हैं, दिख गए, दिख गए, अरे दिख गए क्या? हाँ ये देखो, ये देखो भाई, ये रोटी में घी खाते नहीं है और पैरों के तड़वों पे घी की मालिश करवाते हैं भाई। देखो ये देखो, ये कटोरी बना रखी है, देख लो भाई देसी घी है ये, और ये रोज इनके तड़वों पे घी की मालिश होती है। घी खाऊंगा बीपी हाई हो जाएगा मेरा। हाँ अब देख लो, इस ऐसे करवाते हैं मालिश की पैर ऐसे। इतना पैदल चलता हूँ मैं, इसलिए थक जा। तो गाइस अब करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और पैरों की तड़वों की मालिश। मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई व्लॉग कोई देख ही नहीं रहा है मेरे, तो मैं किसको बताऊं, कोई है ही नहीं जिसको सुनाए हम। चलो भाई जो भी देख रहे हैं वो सुन लो। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।